एक क्राइम मिस्ट्री और थ्रिलर सीरीज आई है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आखिरी सच के नाम से, जिसमें लीड रोल निभाते हैं नजर आएंगे तमन्ना भाटिया, अभिषेक बनर्जी और सिविन नारंग जैसे और भी कई सारे स्टार। दोस्तों इसके अभी तक दो ही एपिसोड रिलीज हुए हैं जो मैंने देख लिए हैं और बाकी के एपिसोड नेक्स्ट फ्राइडे को रिलीज होंगे। तो आइए जानते हैं कि कैसी है ये सीरीज, क्या ये सीरीज आपको एंटरटेन करती है और क्या ये सीरीज बिंज वॉच है। अरे नहीं नहीं भाई, बिंज वॉच नहीं, ये तो आपको टुकड़ों में देखनी पड़ेगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। वेल हेलो, मेरा नाम है अशोक खुक्कर और आप देख रहे हैं खुक्कर रिव्यू पॉइंट। बात करें स्टोरी लाइन की तो दोस्तों यह सीरीज एक सच्ची घटना के ऊपर बेस्ड है, जिसकी कहानी का ऑलरेडी सबको पहले से पता है। और जिसको नहीं पता है तो 1 जून 2018 को दिल्ली के बुराड़ी इलाके में चुंडावत फैमिली के 11 आदमी की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी, जिसका आज तक कुछ भी पता नहीं चला है कि ये मौतें कब, क्यों और किसने की। यह केस इतना बड़ा था कि इसने दिल्ली तो क्या पूरे देश को झकझोर दिया था। और इसके ऊपर ऑलरेडी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बन चुकी है दी बुराड़ी हाउस के नाम से, जो वन ऑफ दी बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। एनीवे बात करते हैं इस सीरीज की। दोस्तों सीरीज के 2 एपिसोड है जिसकी लेंथ 30 से 35 मिनट लंबी है। और इसके कितने एपिसोड और आने वाले हैं इसका अभी तक कुछ भी रिवील नहीं किया गया है। परफॉर्मेंस की बात करें तो तमन्ना भाटिया एक पुलिस इंस्पेक्टर के रोल में काफी सीरियस लग रही थी। अकॉर्डिंग टू केस उनकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी लगी मुझे, बेहतरीन परफॉर्मेंस। और भाई अभिषेक बनर्जी तो पहले से ही मास्टर एक्टिंग में, जो अपनी एक्टिंग से कई बार लोहा मनवा चुके हैं, जैसे हथौड़ा त्यागी वाला किरदार जो दर्शकों को काफी पसंद आया था। इस सीरीज में जब उनका फर्स्ट सीन आता है ना, कसम से बता रहा हूँ भाई, हिल गया था मैं तो। अपने रोल के हिसाब से वो एकदम फिट बैठ रहे हैं, बेस्ट परफॉर्मेंस। और सिविन नारंग का काम भी अच्छा लगा मुझे, मतलब ये कि परफॉर्मेंस के हिसाब से यह सीरीज ठीक ठाक है। बात करें पॉजिटिव की तो भाई सीरीज का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कि यह एक सच्ची घटना के ऊपर आधारित है, जिसकी कहानी का ऑलरेडी सबको पहले से पता है, लेकिन फिर भी इसको देखने का इंटरेस्ट बना रहता है इसके फास्ट स्क्रीन प्ले की वजह से। कहानी 5 मिनट के बाद ही अपने ट्रैक पर आ जाती है, जो ठीक ठाक ही चल रही थी अभी तक तो। सीरीज की सिनेमाटोग्राफी भी काफी अच्छी थी, सीन्स को जिस तरह से रिक्रिएट किया गया है और जैसे डेड बॉडी को लटकते दिखाया गया है ना, कसम से बता रहा हूँ भाई साहब, सन रह गया था मैं तो। और अभी तक सीरीज में एक भी सॉन्ग नहीं आया है, मतलब कि ये भी एक अच्छी बात है, क्योंकि क्राइम थ्रिलर सीरीज में सॉन्ग डालने से पूरा मजा खराब हो जाता है। नेगेटिव की बात करें तो कहानी जब प्रेजेंट डे में होती है तो ठीक ठाक ही चल रही होती है, लेकिन जब उनके रिलेटिव और दोस्तों से इंट्रोगेशन चल रहा होता है और कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है तो थोड़ी स्लो जरूर लगने लगती है। और भाई मैंने तो इसकी डॉक्यूमेंट्री भी ऑलरेडी देखी हुई है, जिसमें बहुत ही डीपली तरीके से इन्वेस्टिगेशन को दिखाया गया है। मुझे 2 एपिसोड में इतना कोई खास मजा नहीं आया, सब कुछ देखा दिखाया सा लग रहा था। आई होप कि बाकी के एपिसोड में कुछ अच्छा निकले। क्यों देखे, अगर आप क्राइम मिस्ट्री और थ्रिलर फिल्मों में इंटरेस्ट रखते हैं और आपने इसकी डॉक्यूमेंट्री नहीं देखी है तो आप इस सीरीज को जरूर इंजॉय कीजिए। हाँ एक जरूरी बात, सीरीज को एज सर्टिफिकेट मिला है, यानी कि एडल्ट सर्टिफिकेट, मतलब कि इसको 18 साल या 18 साल से ऊपर के आदमी ही देख सकते हैं, बच्चों के लिए तो यह सीरीज बिल्कुल भी नहीं है। स्टार कास्ट की बेहतरीन परफॉर्मेंस, बेस्ट सिनेमाटोग्राफी और एक सेंसिटिव टॉपिक को उठाने के लिए मेरी तरफ से मिलते हैं सीरीज को 3 out of 5 स्टार। दोस्तों इसके सारे एपिसोड नेक्स्ट फ्राइडे को रिलीज होंगे, जिनका रिव्यू आपको जल्दी मिलेगा इसी चैनल पर। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, और अगर वीडियो में कोई कमी लगी हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।